ਰਬੜੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਬਰਫੀ ਪਾ ਲਗਾ ਰਬੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ दोस्तों इस दूध की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रबड़ी वाला दूध और मीठा दूध इनके पास दस्तयाब है। शॉप के एम मिल्क एंड फूड कॉर्नर और इनका जो ये रबड़ी वाला दूध है बहुत ज़्यादा लजीज होता है, तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं चलती हूँ अंदर और देखती हूँ कि रबड़ी वाला दूध तैयार करना इन्होंने शुरू किया है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ऑनर हैं शॉप के, क्या नाम है आपका? अली। अली भाई, कब से आपकी शॉप यहाँ पे? पाँच साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो दूध की रेसिपी लेने आई हूँ रबड़ी वाले दूध की, वो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। क्या नाम है? शुभान। आप रबड़ी वाला दूध तैयार करने लगे? हाँ जी। ये क्या आपने पानी में डाला? अच्छा, इसको भिगो के रख देना होता है ना? हाँ जी। जितनी देर में आप दूध तैयार करेंगे उतनी देर में ये फूल जाएगा। ये भी तैयार हो गया। ठीक, दूध कितना डाला आपने? 5 किलो। चला दिया गया है, दूध कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। दूध में उबाल आ चुका है और इस वक्त इन्होंने इसको एक खूबसूरत कलर देने के लिए हल्का सा इसके अंदर फूड कलर इस्तेमाल किया है। कलर वो डलेगा, कलर टाइट करना है, अगर वैसे भी ना नहीं वैसे भी बन जाएगी। डेढ़ घंटा उसको उबाला गया है और उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा दूध दिया इन्होंने। एक पाव दूध है। ये उसको गाढ़ा करने वास्ते है। दूध को मजीद गाढ़ा करने के लिए अरारोट का पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पाव दूध है और इसके अंदर कितना डाला? 50 ग्राम। दूध पक पक के बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, अब इसके अंदर इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए अरारोट का पाउडर थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर रहे हैं और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स ना बने। अच्छा ठीक है, आंच को तेज़ कर दिया। जिस टाइम ये अरारोट इसके अंदर डाल रहे थे उस वक्त आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया था इन्होंने। चूल्हा बंद कर दिया इस टाइम इन्होंने। दुकान का नाम है के एम मिल्क एंड फूड कॉर्नर और ये टाउनशिप मार्केट में ये शॉप है और ये मस्जिद, इस मस्जिद का क्या नाम है? नूर मस्जिद। ये नूर मस्जिद आपको सामने नज़र आ रही होगी, इसके बिल्कुल सामने बिल्कुल करीब ये शॉप है। अच्छा जी, तो अब इस दूध को निकाल रहे हैं एक परात के अंदर। जी सर।
ये है तुख मलंगा और ये है वो दूध जो अभी आपके सामने तैयार किया था। ये पानी के अंदर इन्होंने बर्फ डाल दिया क्योंकि इसमें उन्होंने रबड़ी को ठंडा करना है। जा रहा है जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है आप देख रहे हैं कि ये बर्फ वाले पानी में इसको रखा हुआ है और साथ साथ उसको फेंटते जा रहे हैं तो ये फुल ठंडा हो जाएगा। और थिकनेस आप इसकी चेक करें। अभी इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी इन्होंने ऐड करनी है तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर पूरी रेसिपी आपको चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और ये रबड़ी बहुत आसानी से आप घर में बना के पी सकते हैं। ये क्या है? शीरा बनाया है। आप कह रहे थे इसमें सेमियां भी डाली जा सकती हैं, मर्जी है, मतलब अगर किसी ने डालनी हो तो। हाँ ऑप्शनल है। रबड़ी वाला दूध बिल्कुल तैयार है दोस्तों। आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।